हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे केले की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे बनाई। इसके लिए हमने कच्चे केले ले लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इनके आगे और पीछे का हिस्सा हम थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे। अभी हमने छील लिया और इसके आगे और पीछे का थोड़ा सा हिस्सा कट करके निकाल देंगे और इनके अच्छे से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये मैंने पहले से कर लिए थे, ये आपको एक मैंने बताया कि कैसे हमको इनके पीस करना है। हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। अभी इसमें हमने तेल डाला है, तेल हमने थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। केला जितना तेल सोख लेंगे उतना ही हमने डाला है, एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया है, ताकि कि हम फ्राई कर लें और तेल बच जाए। नहीं, थोड़ा सा तेल डाला है, केले अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें हमने हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे। आप चाहो तो तेल ज़्यादा डाल के इन्हें फ्राई करके अलग निकाल सकते हो और उसी तेल में सब्ज़ी बघार सकते हो, लेकिन हमने थोड़ा कम रखा है और उसी में हम फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि तेल जितना है उतना वो केले सोख लेते हैं। आप देख सकते हो केले कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम वापस सब्जी बनाएंगे। हमने तेल डाल दिया है, हमने हरी मिर्ची और प्याज कट कर लिए, टमाटर कट करे थे उनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हींग, थोड़ी सी राई, जीरा डालने के बाद अब इसमें हम जो हमने प्याज और हरी मिर्ची कट करी थी वो डालेंगे। इन्हें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सुनहरे होंगे जब तक हम इन्हें चलाते रहेंगे। हमने लहसुन छील के रखे थे उनका भी पेस्ट तैयार कर लिया, टमाटर और लहसुन का अलग अलग पेस्ट तैयार करा है। आप देख सकते हो कि हमारे प्याज सुनहरे होने लग गए हैं। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची डालेंगे, धनिया पाउडर और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला जो हमने घर पे बना के तैयार किया है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लगभग हमारा मसाला हो गया है, आप देख सकते हो ये कढ़ाई से छूटने लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें अब डालेंगे। तो अब हमारा मसाला हो गया है, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये डालने के बाद नमक ऐड करेंगे। नमक हमने थोड़ा कम रखा है क्योंकि हमने केले फ्राई किए थे उनमें भी हमने नमक डाला था। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। आपके पास नहीं हो तो आप इसे हटा भी सकते हो। अब थोड़ी देर हम ग्रेवी को अच्छे से होने देंगे। तो आप देख सकते हो ग्रेवी कितनी अच्छे से हो गई है, कढ़ाई से छूटने भी लग गई है। उसके बाद हमने इसमें केले ऐड कर दिए हैं, अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। अब इन्हें 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हम अब वापस इन्हें अच्छे से ढक के अच्छे से अब सब्जी को पकाएंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक के रखना है ताकि सब्जी अच्छे से हो जाएगी। तो आप देख सकते हो लगभग हमारी सब्जी कितने अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। तब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। पाँच से दस मिनट के लिए ढक दीजिएगा, सब्जी एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ऐसी सब्जी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कच्चे केले की ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है, तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी सब्जी हो गई, हमने गैस से उतार के अब इसे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो प्लीज़ आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।